भारत माता की। सब परिवार के लोग बिना भोजन किए कोई नहीं जाए। आदरणीय तुलसी भैया से मेरा अनुरोध है कि दो मिनट में अपनी बात कहें। जरा जोरदार तालियां तुलसी भैया के लिए। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री कर्मठ, दृढ़ इच्छा शक्ति के मुख्यमंत्री परम सद्य कमलनाथ जी, हम सबको एकत्रित करने वाले आपके बेटे मेरे अनुज जीतू पटवारी जी, इंदौर जिले के प्रभारी और हम सब पे भारी बाला बच्चन जी, आप जानते हैं कि निमार का नेतृत्व कई वर्षों तक किया उनके बेटे और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री मेरे अनुज सचिन यादव जी, विधायक मनोज जी, कुणाल जी और विशाल जी गए, सद्य पंडित जी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद जी, सदाशिव जी, शोभा जी, अंतर सिंह दरबार जी, पंकज जी मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस परिवार के सम्मानी वरिष्ठजन, मैं आज नमन करता हूं हमारे इस मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को, क्योंकि बहुत सारी बातें यहां हो चुकी है और जो एक संकल्प 2018 के अंदर दिसंबर की बात है, जो मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं पर चेहरे पे एक चिंता की लकीर जो दिख रही थी, उस लकीर को मिटाने का काम एक संकल्प लिया था कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज हम माफ करेंगे, पहली किस्त में 50,000 तक के 20 लाख, अब द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है 50 से लेकर 1 लाख, टोटल 27 लाख किसानों का कर्ज माफ। पर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो संकल्प जो वचन सद्य कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर किसान का 2 लाख का तक का किसान का कर्ज माफ होगा, आप निश्चिंत रहें 2 लाख तक का। इसी के साथ बिजली का बिल आप शुद्ध के लिए युद्ध, आप जानते हैं जमाखोरों से ज्यादा फायदा मेरे अन्नदाताओं को हुआ है, 1 लीटर का 10 रुपए प्रति लीटर का भाव बढ़ा, उसके साथ किसानों की फसल का उचित दाम, जो सोयाबीन 2200 बिकती थी आज 4800, जो लहसुन 500 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था आज 20,000 रुपए, चने का भाव बढ़ा। सद्य मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं की फसल और चने की फसल बहुत अच्छी आई है, इसके भी भाव किसानों को उचित मिले, पर मुख्यमंत्री जी का दिल, उन्होंने कहा था कि कभी किसानों को तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि आप जानते हैं सद्य मुख्यमंत्री जी ने आज स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है, एक तो मैं जीतू पटवारी जी को जो उन्होंने एक कर्मठता के साथ जो ये सौगात आपको दी है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और 2 संजीवनी क्लिनिक अस्पताल का भी आज उद्घाटन किया है उसके लिए बधाई। मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि 1 ताली आपके इस बेटी के लिए, जीतू पटवारी के लिए, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत